हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल पैशनेटर्स एट टैक आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास टेंथ यानी कि बोर्ड क्लास की सिलेबस की वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर वन एट फोर आज हम सही तरीके से जानेंगे कि क्लास टेंथ का बोर्ड का सिलेबस क्या है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन वी आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन आर सिलेबस तो कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का कितने वेटेज का होगा ये सब हम आज अपने वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो इसलिए चलिए देखते हैं क्लास टेंथ का सिलेबस की वीडियो और आप इस को देख करके अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए बी सी सेक्शन ए इज़ ऑफ रीडिंग स्किल सेक्शन बी इज़ ऑफ राइटिंग स्किल विद ग्रामर एंड सेक्शन सी इज़ ऑफ लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट सेक्शन ए देर आर टू क्वेश्चन इन रीडिंग स्किल डिस्करसिव पैसेज एंड केस स्टडी पैसेज दो तरह के पैसेज होंगे जिनको आपको करना होगा और दोनों ही टेन टेन मार्क्स के होंगे यानी कि रीडिंग स्किल और इज ऑफ ट्वेंटी मार्क्स इसके बाद आपका है सेक्शन बी जहाँ पर आपकी ग्रामर होगी ग्रामर में टेंस है मॉडल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच ये भी आपके टेन मार्क्स की टोटल ग्रामर आएगी तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही लिमिटेड इस बार ग्रामर का कोर्स कर दिया है तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसके बाद हम चलते हैं आपके यहाँ राइटिंग सेक्शन पर राइटिंग सेक्शन में टू क्वेश्चंस हैं एक शॉर्ट राइटिंग टास्क जिसमें आपका फॉर्मल लेटर है और यहाँ पर दो क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको एक करना होगा फाइव मार्क्स का आएगा वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड यानी कि दो में से एक लेटर आपको करना होगा जो कि फाइव मार्क का होगा दूसरा क्वेश्चन है एनालिटिकल पैराग्राफ ये आपका पैराग्राफ में मैप चार्ट ग्राफ क्यूज़ ये सब दिए हुए हो सकते हैं इसके बहाँ पर आपको एनालिटिकल यानी एनालाइज करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है जो कि आपका फाइव मार्क्स का होगा अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर सेक्शन सी में हमारे यहाँ दो बुक्स प्रेस्क्राइबड हैं एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट विदाउट फीट तो फर्स्ट फ्लाइट में सबसे पहले वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू यानी कि दो पैराग्राफ होंगे सीन पैसेज उसमें से आपको एक करना होगा जो कि फ़ाइव मार्क्स का होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वन मार्क क्वेश्चन होंगे यानी वन लाइन क्वेश्चन भी हो सकते हैं और टिक मार्क भी हो सकते हैं तो वो आपको इस तरीके से हैंडल करना होगा दूसरा इसमें वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू फ्रॉम पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट में ही हमारी पोइट्री दी होती है तो उसमें भी दो पैराग्राफ होंगे सीन के उसमें से आपको एक करना होगा वो भी फाइव मार्क्स का होगा उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो यानी कुल मिलाकर के हमको फाइव प्लस फाइव के टू सीन पैसेज करने होंगे एक अब आपकी जो प्रेस बुक्स हैं वो हैं फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट में कौन कौन से चैप्टर हैं आ लेटर टू गॉड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक क्लिम्स ऑफ इंडिया यानी कि इसमें से एक चैप्टर कट हो गया है हंड्रेड ड्रेसेस का वो आप अपनी बुक में से कट कर सकते हैं उसके बाद है मिजबिल दूटर उसके बाद है मैडम राइट द बस एंड देन दरमन ऑफ बनारस एंड द लास्ट चैप्टर इज़ द प्रपोजल इट इज़ अ प्ले और अब टाइम है पोइम देखने का तो पोइम में है डस्ट ऑफ़ स्नो फायर एंड आइस अ टाइगर इन द ज़ू हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसमें भी हमारी एक पोइम कट हो गई है द एनिमल्स वाली जो कि आप अपनी बुक में से कट कर दीजिए द बॉल पोइम अमेंडा द ट्रीज फॉग द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और लास्ट पोइम इज़ फॉर एनी ग्रिगोरी एंड द फुट प्रिंट विदाउट फीट के कौन कौन से चैप्टर हैं चैप्टर वन अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर टू द थीप्स स्टोरी चैप्टर थ्री द मिड नाइट विस्टर चैप्टर फोर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर फाइव फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर सिक्स द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर सेवन द नेकलेस और इसके बाद का जो चैप्टर है हेड ड्राइवर वो कि कट कर दिया गया है उसको आप भी कट कर लीजिए उसको डिलीट कर दिया गया है और ला आ, उसके बाद है होली एंड द लास्ट चैप्टर इज़ द बुक एंड दैट सेव द अर्थ इस तरीके से आपके चैप्टर्स हैं इनको देख करके आप ज़रूर समझ जाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में ऐड किए गए हैं और कौन कौन से डिलीट कर दिए गए हैं तो आप एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो को और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए थैंक यू बेस्ट ऑफ लक